सो हेलो हेलो हेलो। तो हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, और मेरा नाम है युवराज। और ये वीडियो सारे CUET एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा एक्सपीरियंस, वो भी CUET जो बच्चे पिछले साल दे रखे हैं। तो एग्ज़ाम में क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इन्वायरमेंट कैसा रहता है एग्ज़ाम में, कैसे आपको चीज़ें भरनी है, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रख के चलना है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। चलो अब स्टार्ट ही करते हैं। सो हाय, मेरा नाम युवराज है। एक बार अपना नाम बताना। तने तने निगम। तने निगम। कोर्स और कॉलेज कौन सा है? हिस्ट्री ऑनर्स हिंदू कॉलेज है। CUET स्कोर क्या था? 799। वाओ। सो बेसिकली ये वीडियो हमारी इस पे बन रही है, ये टॉपिक पे, कि CUET जब एग्जामिनेशन डे था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एग्ज़ाम सेंटर भोपाल में था, तो वहाँ पे एक कॉलेज था, वहाँ पे था, तो इट वाज नाइस। वहाँ पे मतलब उतना कमोशन नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स इतने सारे बच्चे वहाँ नहीं थे, सो इट वाज नाइस नाइस एक्सपीरियंस। ओके। सो मेरे को जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की क्या स्ट्रिक्टनेस रहती है, और क्या डॉक्यूमेंट्स एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपलसरी होते हैं कि लाना ही लाना है? एडमिट कार्ड तो ऑफ कोर्स आपको लाना ही रहता है, और उसके अलावा आपका जो थंबप्रिंट वगैरह रहता है वो सब उस पर रहना चाहिए। उसके अलावा मेरे को अभी याद नहीं है कि क्या था। मेरे को जैसे जहाँ तक याद है कि आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट साइज फ़ोटो दो। हाँ हाँ एग्जैक्ट। हाँ सॉरी, दो साइज पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ थी, आधार कार्ड भी था, पर आधार कार्ड मतलब बस देखने के लिए था, इट वॉज नॉट नेसेसरी। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी थे जो नहीं लेकर आए थे, बट ठीक है, वो उनको आने दिया था। बट एक कोई वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास। प्रूफ ऐसे होना चाहिए, पर वो एग्जाम सेंटर पर डिपेंड करता है। हाँ ये भी है कि स्ट्रिक्टनेस और वो कैसे हाँ कंपलसरी करते हैं कि नहीं। अच्छा, तो अब ये बताना कि जैसे बेल्ट वगैरह भी उतार देते थे, जूते वगैरह उतार, चेकअप वगैरह आपके सेंटर में हुआ था क्या? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ था। कुछ भी नहीं अच्छा, हुआ था। कुछ सेंटर्स में हमें पता चला कि बेल्ट वगैरह की एकदम डिनाई कर दिए थे कि आप पहन ही नहीं सकते हो। हमारे उसमें बस हुआ था कि बायोमेट्रिक जो स्कैन करते हैं उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी, तो उस थोड़ा सा मतलब आधा घंटा उनका उधर गया था, क्योंकि वो जो आई स्कैनिंग वाला था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी मशीन में, बाकी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था उसमें। सो सब जैसे यही एक सोल्यूशन दे, मतलब एक ऐसे नॉर्मल रिकमेंड करते हैं कि जो भी टाइम होगा आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा उससे 1 घंटे पहले जाओ। तो ये सच है कि जाना पड़ता है क्या? हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब हद में रहना ही ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चले जाओ तो अच्छा है, अदरवाइज मतलब आधा घंटा पहले तक जाओगे तो भी हो जाता है, 45 मिनट्स पहले तक ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत होती है। वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, और ऑफ कोर्स आपको 15 मिनट पहले एग्जाम जो हॉल है उसके अंदर जाना पड़ता है वहाँ पे। ऑफ कोर्स। और एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम का मतलब चीटिंग वगैरह का कुछ सीन होता है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, वो तो पूरा कंप्यूटराइज होता है, और इन्विजिलेटर्स भी दो दो थे हमारे सेंटर में, तो एक भी चांस नहीं। नहीं ओके। सो मैंने तो नहीं देखा किसी को करते हुए। सही है। तो मुझे एक ये चीज़ बताना कि जैसे एग्ज़ाम एग्ज़ाम के मतलब एनवायरनमेंट क्या रहता है, एग्ज़ाम रूम का, कंट्रोल रूम का जो रहता है, इसका एनवायरनमेंट कैसा रहता है? मतलब अच्छा ही रहता है, शांति रहती है बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि जनरली ये लोग जिस दिन होता है उस दिन क्लासेस वगैरह सस्पेंड कर देते हैं, तो अच्छा था मतलब एग्ज़ाम देने के हिसाब से तो बहुत अच्छा एटमोसफियर था। और अगर तुम पढ़ के गए हो तो तुम्हारे लिए तो बेस्ट है, अगर तुम पढ़ के गए हो तो तुम्हारे लिए तो फिर बेस्ट ही है वो। हाँ। सो एक नॉर्मल लास्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वहाँ पे? एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो आपका रफ शीट वगैरह जो भी रहता है वो आपको वहाँ सबमिट करना रहता है, एंड उसके बाद आप निकल सकते हो। और रफ शीट्स, पेन वगैरह तो वही प्रोवाइड करते हैं? पेन हमको ले जाना अलाउड था, एक पेन मतलब ऐसे अलग से, बॉक्सेस वगैरह अलाउड नहीं थे, रफ शीट वो देते हैं। देते हैं तो मतलब उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कोई ऐसे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती? जहाँ तक मुझे याद है कि लॉग इन वगैरह करना पड़ता है, फीडबैक वगैरह हमें देना पड़ता है एग्जाम्स के। हाँ मतलब पर वो ऐसी कोई सेपरेट फॉर्मेलिटी नहीं है, बस वो रेटिंग देनी पड़ती है आखिर में, 5 स्टार या जो भी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था मतलब ना, बस। हाँ बस, फिर उसके बाद आपको निकाल देते। हाँ। सो हाय गाइस, मेरा नाम युवराज है। मैं DU बड़ी हूँ। एक एक करके अपना नाम बता दो पहले। माई नेम इज़ मोहम्मद अजीम। हेलो गाइज, माई नेम इज़ राहुल बसीटा। क्या नाम था? राहुल बसीटा। राहुल बसीटा। तो यार अपना कॉलेज बता दो, कोर्स बता दो, और CUET स्कोर क्या है? हिंदू कॉलेज सोशियोलॉजी ऑनर्स, CUET स्कोर 764। वाओ। एंड लाइक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इट वाज 758। बढ़िया, ये भी बढ़िया है। एंड गाइस, माय कॉलेज इज हिंदू कॉलेज, फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी ऑनर्स, एंड माय CUET स्कोर इज 722। ओके। सो यार ये वीडियो नॉर्मली रहो, माइक ले रहो। सो ये वीडियो नॉर्मली बन रही है कि आपका CUET का जब एग्ज़ाम डे था तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कैसा एक्सपीरियंस, कैसा इन्वायरमेंट आप लोगों को वहाँ पे मिला, आप बताना। इन्वायरमेंट में हालांकि वो कंप्यूटर बेस्ड था, तो एक बार तो मेरा कैंसिल भी हो चुका है। अच्छा, कैसे मतलब क्या हो गया था? मतलब शिफ्ट के अंदर वहाँ पे जो रूम अलॉट हुआ था मुझे, उसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे, तो उसके अंदर कंप्यूटर्स में कुछ दिक्कत थी, तो उसकी वजह से
तो फिर शिफ्ट कर दिया था। तो फिर कैसे मतलब बाद में हुआ एग्जाम? नेक्स्ट डेट को हुआ मुझे। अच्छा, डेट मिली उसके बाद। तो ऐसी दिक्कत आ जाती है कभी कभी? दिक्कत आ जाती है। भाई तुम बताना कुछ भी एक्सपीरियंस हो आपका तो। नहीं, मेरा तो नॉर्मल एक्सपीरियंस था, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वगैरह थी नहीं मेरे को। दोस्तों के साथ गया तो मज़े ही करके आया था। और चीटिंग वगैरह का कुछ सीन रहता है? चीटिंग चीटिंग वगैरह कोई सीन नहीं है। आस पास कोई भी बैठ जाता है, किसी का फिजिक्स एग्जाम था, मेरे पास कोई फिजिकल एजुकेशन में बैठा था तो। अच्छा, चीटिंग का कोई सीन नहीं? अलग अलग सेट का। ओके, सो मुझे अब ये बताना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कुछ याद है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट थे, लगते थे वहाँ पे? मतलब कि उन्हें कंपलसरी ले जाना, जैसे आईडी जरूरी थी, फोटो, आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट हुई है, फोटो है ना, फोटोज, दो फोटोज इंपॉर्टेंट थी, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ऑब्वियसली वो तो है ना, है ना। नहीं मतलब क्या है, सी यू टी फ्रेंड्स जो देखते हैं उनको थोड़ा नॉलेज नहीं होती, वो थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं कि भाई एग्जाम आ रहा है, भाई सबको लगता है डर, हम तो दे रखे हैं, हमें तो लगता है कि चलो कौन सी बड़ी बात थी, निकल गई तो। और जैसे बेल्ट वगैरह के, जैसे मैंने सुना है कि बेल्ट वगैरह उतार देते थे, ऐसा कुछ था कैसा? हाँ, आयरन से रिलेटेड कोई भी चीज़, कीज तक नहीं ले जाने दी थी मुझे तो अंदर, है ना। और एक रफ इस नेकलेस वगैरह, सब चीज़ लड़कियों के नेकलेस वगैरह भी उतार दिए थे, और रफ पेपर वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं ऐसा? हाँ, वो रफ शीट्स अवेलेबल, और बॉल पेन अगर तुम ले जाओ अपनी तो ठीक है, नहीं तो वो भी दे देते हैं। हाँ, वैसे बॉल पेन ले जाना चाहिए। हाँ, और वेरिफिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व था, मतलब कब कितनी बार वेरीफाई किया गया था आप लोगों को, मतलब कॉलेज में आने के बाद? वहाँ पे बस एक बार ही होता, एक ही बार हुआ था। नहीं, स्कैनर वगैरह से स्कैन करते पूरी तो दो जगह हुआ था, एक तो एंट्रेंस पे होता है और एक मतलब जब एग्जाम हॉल में जब एंटर करते हैं तब। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि जैसे आई वगैरह चेक करते हैं, थंब ने मतलब वो रेटिना, फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट वगैरह है ना, ये सब भी चेक करते हैं ना। ओके, तो और भी कुछ आपका एक्सपीरियंस, कोई इंसिडेंट ऐसा सीयूटी से रिलेटेड, एग्जाम डे के रिलेटेड? ऐसा तो आपका तो हो ही गया कि टेक्निकल इशू आ गया था बेचारे भाई के ऊपर में। मतलब सोच के गया था कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं पढ़ के भी कम गया था। पर ऑल इन ऑल बहुत बहुत इजी लगे थे मेरे को सारे पेपर ही, जीटी के अलावा, क्योंकि जिसके लिए मैं पढ़ा नहीं था और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ तो ज़्यादा ध्यान दिया भी नहीं मैंने। हाँ, बाकी तो अच्छा एक्सपीरियंस ही था। और जिस सेंटर में मेरा एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर उतनी प्रॉब्लम्स आ भी नहीं रही थी। ऐसा था, जोधपुर में मेरा सेंटर था। ओके, सो ये बताना जैसे एग्ज़ाम का जो पर्टिकुलर टाइम रहता है उससे कितना टाइम पहले स्टूडेंट को जाना चाहिए कि सभी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए आराम से? 30-45 मिनट्स पहले आराम से, क्योंकि थोड़ा रश भी रहता है और कुछ भूल जाए तो फिर वो उस टाइम कवर कर सकते हैं। आ जाता है भाई, तो 45 मिनट्स आई थिंक सफिशिएंट है। माइक दे दो। 45 मिनट्स आई थिंक सफिशिएंट। एग्जाम में जब कंप्लीट होता है तो नहीं कुछ फीडबैक वगैरह, फॉर्म वगैरह उसी में आता है कंप्यूटर में? हाँ, उसके अंदर आता है कि फीडबैक की मतलब कोई आपको फॉल्ट्स तो नहीं रहा कॉलेज में जहां हम कंडक्ट करवा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में कोई स्टाफ वर्कर से वो कैसे थे, हाँ बिहेवियर से रिलेटेड है। पर उसमें ये रहता है कि जो वर्कर्स वहां खड़े रहते हैं वो थोड़ा वो करते हैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि सब में आप 5 स्टार या जो भी होता है वो कर दीजिए, वो 5 स्टार पे खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा तो कुछ नहीं था? नहीं, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, बाकी चिल के मतलब चिल सीन है, आराम से सब हो जाएगा वहां पे। हां, बहुत आराम से, बस वही है कि थोड़ा कूल काम रहना ही पड़ता है। हाँ, लाइफ में लाइफ का वही है। एक जो टिप है वो देना चाहूँगा कि जरूर, जरूर। आप 12th जो NCERT बुक्स है उन्हीं पर मतलब स्टिक रहें, और फालतू के जो बुक्स आते हैं मतलब रेफरेंस मटेरियल्स तो उन पे स्टिक ना रहें। सही बात, क्योंकि उससे आप मिसगाइड हो सकते हैं। ट्रू, सही बात है यार, ये टिप है एक हिंदू के स्टूडेंट के। और लोग बहुत सोचते हैं भाई कि ड्रीम कॉलेज है हिंदू, कुछ बहुत लोगों का भाई है ही ड्रीम कॉलेज, तो भाई हिंदू का स्टूडेंट का टिप है तो ध्यान से लगा ही लेना चाहिए यार। एक बार ऑल द बेस्ट बोल देते हैं सीयूटी एस्पिरेंट्स को, ठीक है? ऑल द बेस्ट गाइस। चलो ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बार फिर से जो है ड्यूबडी लेकर के आया है OMR बेस्ड ऑल इंडिया प्री सीयूटी एग्जाम, जो कि स्टार्ट होने वाला है 9th of May से, जिसके अंदर जैसे ही आपकी NTA की डेट सीट आई है ना, उस NTA की डेट सीट के अकॉर्डिंग ही, जैसे 11 बजे आपका 15 मई का केमिस्ट्री का एग्जाम है, वैसे ही 9 मई को 11 बजे केमिस्ट्री का एग्जाम है, उसके बाद शिफ्ट ब्रेक है, फिर बायो का एग्जाम है 12:15 बजे डेट सीट में, तो यहां भी ऐसे ही है। एंड उसके बाद जैसे जैसे आपकी डेट्स बढ़ती जाएंगी NTA की 15, 16, 17, 18, यहां पे आप लोगों की 9, 10, 11, 12 डेट्स बढ़ती जाएंगी। आप लोगों को OMR प्रिंट करने का ऑप्शन ऐप पे मिल जाएगा, डाउनलोड करो, आप लोग प्रिंट करो, फिर जो टाइम आएगा उसके हिसाब से आप लोगों को सर्कल्स फिल करने हैं, एंड सबमिट करने का ऑप्शन भी ऐप के ऊपर मिल जाएगा। सो फिर फटाफट जाइए ड्यूबडी ऐप के ऊपर, लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और एनरोल कीजिए सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में। हाय, मेरा नाम युवराज है, आपका नाम पहले बता दो। बबली, मेरा नाम बबली है। बबली, ओके, तो आपका कॉलेज, सीयूटी स्कोर और कोर्स क्या है आपका?
मेरा कॉलेज KMC है, किरोड़ीमल कॉलेज, और मेरा कोर्स है BA हिंदी ऑनर्स, और मेरा CUET स्कोर था वैसे तो जब आंसर की आई थी तब तो मेरा था 675 के आसपास था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके बाद 650 के आसपास हो गया था। ओके, तो बेसिकली देखो ये वीडियो हमारी ऐसे बन रही है कि हमारा जो CUET में जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप पहले नॉर्मल सा एक्सपीरियंस बताओ आपका CUET जब आपने एग्ज़ाम देने गया था, आप देने गई थी हुई थी, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं पहन के जाने देते, इयरिंग्स वगैरह जो सब कुछ होता है सब कुछ उतरवा देते हैं, और हेयर बैंड वगैरह कुछ भी उन्होंने चाहिए, रबर वगैरह वो भी अपनी तरफ से ही देते हैं, सब कुछ उतरवा देते हैं, और पेन वगैरह भी वही देते हैं, पेन भी वही देते हैं, और जो शीट ऑफ पेपर होता है वो भी वही देते हैं, सब वही देते हैं, रफ शीट वगैरह है ना। और मुझे ये बताइए आप कि जैसे अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट की बात करें तो कि चीटिंग वगैरह का सीन होता है क्या? चीटिंग बिल्कुल नहीं हुई थी वहाँ पे, है ना, मतलब सीन ही नहीं रहता कुछ, नहीं चीटिंग बिल्कुल नहीं थी हमारे में, तो नहीं हुई थी बाकी का पता नहीं। ट्राई भी सोचना भी मत चीटिंग के लिए, है ना, CUET टाइम चीटिंग तो नहीं होती है। ओके, तो अब मुझे आप ये बता देना कि डॉक्यूमेंट्स आपको याद है कि क्या क्या लगी थी, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे? डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड वगैरह, वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाँ आधार कार्ड लगा था, पासपोर्ट साइज फ़ोटो थी, और याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ मतलब इतना जनरली याद नहीं होता है भाई, एक साल होने आया है, बट तो भी मतलब ये सब मैं बता रहा हूँ या आएगा आपका, तो मतलब आप जब, अच्छा आपको ये तो याद ही होगा कि जब एग्जामिनेशन एग्ज़ाम था आपका तो आप एक घंटे पहले मतलब कैसे गई थी, मतलब टाइमिंग्स वगैरह कैसी थी? हाँ मैं एग्ज़ाम मतलब जो भी टाइमिंग थी उससे पहले ही चली गई थी, जब हमारा शिफ्ट था ना वो दोपहर का शिफ्ट था, हमारे से पहले भी मॉर्निंग में था एग्ज़ाम, तो फिर उसमें जो भी लेट हो रहे थे तो उन्हें बाद में जाने नहीं दे रहे थे, जब टाइम हो जा रहा था उसके बाद गेट बंद होने के बाद जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर उन्हें बाहर ही रख दिया था, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था फिर। हाँ और ये भी मतलब ये भी मैं आपको बता दूँ, ये भी आप सबको बता दूं कि उत्तीर्ण मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन दी हुई है बस उससे पहले ही जाना होता है, लगभग एक घंटे ही पहले चले जाना है ना, क्योंकि क्या होता है वेरिफिकेशन वगैरह बहुत होती है वहाँ पे, जांच वगैरह बहुत करेंगे, मतलब एक बार नहीं दो तीन बार होती है, क्लासेस में भी होगी, फिर एक बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू होगी, है ना, याद है आपको वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह और सब कुछ मतलब चेक होता है कि जिसने भी वो फॉर्म भरा था वही है कि नहीं, हाँ सेम पास मतलब मैच वगैरह सब कुछ मैच करके देखते हैं, हर चीज़ मैच करते हैं, और वो भी होता है आई चेकअप वगैरह, वो भी होता है साथ में ही हो जाता है वो भी, जब बिठाते हैं जिस क्लास में बैठना होता है उसी पे बैठने से पहले ही बस क्लासरूम के बाहर ही होता है। और भी कुछ आपको याद होगा CUET के दिन क्या क्या आपके इंसिडेंट हुए थे, मतलब अच्छा आप ये बताइए कि एग्ज़ाम देने के बाद क्या सीन होता था, मतलब आपको रोक के रखते थे कि तुरंत छोड़ देते थे? तुरंत ही जाने देते, एग्ज़ाम हो जाता है फिर टाइम, जैसे कि अगर एग्ज़ाम पहले भी हो गए तो टाइम से पहले नहीं जा सकते, जब तक टाइम नहीं होगा तब, जैसे ही टाइम हो जाता है फिर जाते हैं सारे, ऐसा ही होता है, वैसे बहुत याद नहीं है बट है ना, जितना याद है फिर बता रहे हैं ना, एक साल होने वाला है। और भी कुछ आपको कुछ भी याद हो, मतलब जब एग्ज़ाम देने गए थे तो उससे पहले थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जब बैठ जाते हैं थोड़ा सा देख वेख लेते हैं उसके बाद नहीं लगता इतना, क्वेश्चन नॉर्मली लगता है, हाँ नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं आता है, नहीं CUET उतना हार्ड है भी नहीं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, हाँ पहले लगा था कि मतलब सबने बताया था पहली बार था तो हमारा, तो इस वजह से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था पहली बार दिया था तो इस वजह से लगा। ओके, और CUET और एक क्वेश्चन आया था अभी मन में कि हाँ आपको ऐसा कोई भी इंसिडेंट याद हो आपका CUET के एग्ज़ाम टाइम, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में कि कुछ हो गया हो आपके साथ कुछ भी, मतलब कुछ इंसिडेंट टाइप नहीं हुआ आपके साथ CUET टाइम पेपर एग्ज़ाम देते टाइम? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। चलो इनके साथ नहीं हुआ होगा तो इनको याद भी नहीं होगा, किसी किसी बच्चों के साथ होता है तो उनको याद रहता है कि भाई मेरे हाथ में कुछ लिख लिया था तो फंस गया था मैं, नहीं ये सब तो नहीं हुआ था, है ना। सो हाय गाइस, मेरा नाम युवराज है, मैं DU बडी से हूँ, तो पहले एक करके अपना नाम बता दो, नाम बताओ पहले। आई एम हेमंत। हेमंत। आई एम अजय यादव। अजय। आई एम विकास राणा। विकास राणा। ओके सो यार अब तुम लोग ये बता दो कि तुम लोग कौन से कॉलेज से हो, प्लस CUET स्कोर क्या था और कोर्स बताओ। ओके हम रामदास कॉलेज से हैं और हमारा कोर्स BSc फिजिक्स ऑनर्स है और मेरा CUET स्कोर 345 था। 345 आउट ऑफ 600। ओके तो कोई कैटेगरी वगैरह भी थी आपकी? हाँ आई बिलोंग जनरल कैटेगरी। तो 345 में मिल गया, कौन सा कोर्स आपका? BSc फिजिक्स ऑनर्स। ओके चलो ठीक है भाई तुम बताना। मैं भी रामजस कॉलेज से हूँ, करेंटली आई एम परसुइंग BSc फिजिक्स ऑनर्स और मेरा स्कोर था 380 आउट ऑफ 600। बढ़िया बढ़िया। आई एम हेमंत एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम रामजस कॉलेज एंड माई स्कोर वॉज
385 टू 90 अप्रोक्स फ्रॉम 600. ओके, सो कोर्स बता दिया. माई कोर्स इज बीएससी फिजिक्स ऑनर्स. बीएससी फिजिक्स ऑनर्स. ओके, तो यार देखो मैं नॉट पकड़ रहा हूँ माइक. ये वीडियो देखो बेसिकली इस पे बन रही है कि सीयूटी के दिन जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कि पहले तो आप ये बता दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी थी एक रात पहले, क्या क्या किया था उसमें? फर्स्ट थिंग डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका कोई भी आईडी कार्ड चल सकता है, या तो मार्कशीट हो या आधार कार्ड हो. तो आधार कार्ड आपको कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, और एक कोई भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के अलावा मार्कशीट भी रख लेना. और मार्कशीट की जैसे ऐसा जरूरत नहीं होती है, आईडी की जरूरत होती है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड. हाँ, एडमिट कार्ड और एक्स्ट्रा दो फोटो या तीन, दो फोटो और फोटोकॉपी भी उसकी एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है. एक बार तुम बता देना और भी कुछ अगर छूट गया हो तो डॉक्यूमेंटेशन में. नहीं, बाकी यही रहते हैं, आधार कार्ड आपके पास उस समय, एडमिट कार्ड होने चाहिए और फोटो भी रहनी चाहिए, और बस बाकी तो देखते हैं. और भाई तुम्हें कुछ याद हो अगर तो? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहली बार इतनी ज़्यादा इतने अच्छे से इतना खुल के एग्ज़ाम दिया. और प्रिपरेशन में तो कुछ नहीं, जो पहले का जितना भी बेसिक्स आता था उतना ही तैयार किया, उसी को रिवाइज करके उसके लिए गए, और बहुत अच्छे एग्ज़ाम एक्सपीरियंस. तो कैसा, कैसे मतलब खुल के कैसे आपने मतलब एग्ज़ाम दिया? मतलब पहली बार, शायद मैंने तो पहली बार किसी कंप्यूटर में ऐसा एग्ज़ाम दिया था. अच्छा अच्छा, बढ़िया. सीवीटी का समझ रहा हूँ मैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहला एक्सपीरियंस था आपका. पहला एक्सपीरियंस तो बढ़िया था. हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. और जैसे चेकिंग वगैरह जो होती है वो कैसी थी? मतलब चेकिंग ठीक थी, मतलब 2-3 बार चेकिंग की जा रही थी, है ना. हाँ, तो ये बताओ मुझे. पहले वेरिफिकेशन करते थे, उसके बाद चेकिंग पर्सनली करते थे पूरा, मतलब स्कैनर के साथ, और जूते वूते भी देखते थे. उसके आगे भी आपको साइन ऑन करके फिर उसके बाद बताते थे आपका किस रूम में वहाँ कैसे जाना. और बेल्ट वगैरह भी शायद उतरवा देते थे. हाँ, बेल्ट भी उतरवाते थे, और पर्स का भी देखते थे कि आपका कैसा. तो जैसे भाई ने बताया कि सीयूटी के दिन के एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा था, क्योंकि पहली बार ऐसा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने को मिला. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था सीयूटी का? एक्सपीरियंस तो ठीक ही था, क्योंकि हम लोग का, मेरा तो दूसरा था इस बार में ऐसा ऑनलाइन कम्पिटिटिव एग्जाम देने का. और बाकी ऑनलाइन तो नहीं था, ऑनलाइन ऑनलाइन वही सीबीटी का था. अच्छा. हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. और मेरा दोनों एक ही दिन एग्ज़ाम था, नहीं तो बाकी कुछ लड़कों का मतलब अलग अलग दे दिए थे. किसी का एक दिन 6 को लिए थे, तो किसी का कुछ दिन बाद ले लिए थे, और बाकी कुछ का तो सेम ही दिन था. तो मेरा सेंट्रल लखनऊ में था. लखनऊ में था सेंटर. हाँ, तो उत्तर प्रदेश से मैं. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना कि चीटिंग वगैरह का सीन कुछ रहता है कि कोई भी कैसे भी चीटिंग नहीं, चीटिंग थोड़ा सा भी कहीं से नहीं होती है. और माइक दे दो. कैमरे से पूरी डिटेक्शन होती है. और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा के जरूर जाए, उसमें आपका आधा एक घंटा खराब हो जाता है. और इंश्योर करो कि आप एक घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाए, क्योंकि हाँ मैं यही बोलने वाला था कि जब सेंटर का जो एग्ज़ाम का टाइम होता है उससे सब एक घंटे पहले ही पहुंचते हैं, क्योंकि इतनी वेरिफिकेशंस रहती है, इतनी प्रूफ वगैरह, तुम्हें आई चेकअप वगैरह होता है, फिंगरप्रिंट वगैरह मैच कराते हैं. तो याद है तुम लोग को ये सब चीज़ें, है ना. और फोटो रिसेंटली होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए तुमसे जो अभी हो. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, और कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम देने में. चिल होकर एग्ज़ाम दो पूरी प्रिपरेशन के साथ. बेसिक क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने एनसीईआरटी पूरी कवरअप कर रखी है तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा. और रामजस में अब की बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है. क्यों? रिनोवेशन हो चुका. और नैक में पहली बार हमारा कॉलेज पार्टिसिपेट कर चुका है, अभी रिजल्ट आना बाकी है. ओके, तो अच्छी बात है फिर तो ये रामजस वालों के लिए तो. ओके, और भी कुछ भी अगर आप लोगों के इंसिडेंट हुआ कुछ भी, भैया लोगों को भी दिखा दो यार हमारे साथ. अच्छा, आप थर्ड ईयर के हो गए शायद? कौन से ईयर आपका? तो आपको कुछ याद है? लीजिए माइक फिर. कुछ भी आप जैसा भी सीयूटी जब आप देने गए थे फर्स्ट टाइम, अब देखो दिखाइए मुझे, बताए. देखो अब भैया हमारे साथ हैं, ये सेकंड ईयर के हैं, और ये इन्होंने पहली बार दिया था ना सीयूटी आप ही के टाइम. हाँ भाई, मैं तो गांव से ही उठ के आया हूँ, तो वैसे रिटर्न एग्जाम तो बहुत दे रखे थे, जैसे मैं इंडिया वगैरह का दे के आया था. पर भाई कंप्यूटर पे मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वहाँ पे यार, जहाँ से हमें कंप्यूटर वगैरह है नहीं वहाँ पे गए थे. लास्ट टाइम सेंटर भी चेंज हुए थे. मतलब जो बच्चा बैकग्राउंड से आ रहा है, रूरल बैकग्राउंड से, उसके लिए चैलेंजेस भी हैं. सही बात है, सब चीज़ एक्सपीरियंस नया था, सब कुछ ही नया था यार हमारे लिए. तो
तो अच्छा आप ये बताइए कि आपके भी टाइम पे ऐसे चेकिंग वगैरह ऐसी होती थी कि सब बेल्ट वगैरह उतरवा लेते थे, जूते वगैरह अलग करवाते थे? नहीं देख यार, ये तो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। ऐसा था क्या? हाँ, नहीं इतनी वो तो नहीं थी, पर यार कुछ हाँ टाइम वेस्ट हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। अच्छा, कुछ मतलब लॉग इन वगैरह नहीं हो रहा? हाँ, लैपी वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती थी, लाइट आ रही है जा रही है, किसी की में खुल नहीं पा रहा एग्जाम। ओके, तो और एक चीज बता दी, आप लोगों के टाइम में चीटिंग वगैरह कुछ था? भाई देखे, चीटिंग का क्या है, अगर बंदा खुद करना चाहे तो कर लेगा, डिवाइस वगैरह तो खुद के लेके जा नहीं सकते। हाँ। बाकी कंपटीशन में यार कौन ही किसको बताता है, अगर तेरा दोस्ती चला गया तो वो बता देगा। सही है। तो और भी अगर कुछ भी आपको इंसिडेंट याद हो आपके पेपर वाले दिन? इंसिडेंट तो देखिए भाई, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है मेन वो पहले ही रेडी करो, क्योंकि यार लास्ट में इनकी प्रॉब्लम होती है। बस अब तो खैर चेंज आ गया, मैंने बच्चों से पूछा था जो अभी देखे आए थे कि लास्ट मोमेंट पे सेंटर चेंज हो जाते हैं। हाँ, कुछ क्यों हो जाते हैं, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि अब लास्ट मोमेंट पे आप कहीं एग्जाम देने गए हो, फिर वहाँ से आपको दूसरी जगह जाना है। अब यार एग्जाम देने जा रहे हो, उससे पहले ऐसे इंसिडेंट हो तो प्रिपरेशन तो आपको पता ही है फिर कैसी हो जाती है। जाता है, बाकी अपना चिल करो, रिलैक्स माइंड से जितना रहोगे, एग्जाम ही तो है, बहुत सिंपल होता है बस। और क्या, सीयूटी उतना टफ भी नहीं रहेगा यार, IAS 60 कॉलेज है, 60 कॉलेज में एक कॉलेज तो यार आ ही जाएगा। 60 से ज्यादा है शायद, 90। हाँ हाँ, वही तो, तब तो आराम से हो जाएगा, है ना। चिल करो आप लोग, ठीक है बस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली हो, और इसे शेयर करो उस दोस्त को जिसे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।